हेलो फ्रेंड्स, लग रही है ना एकदम से थोड़ा सा डिफरेंट और कुछ नया ही आपको देखने में लग ही रहा होगा। तो चलिए मैं बता देती हूँ, आज मैं आप लोगों के साथ ये मिस्सी रोटी और ये धनिया दम आलू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, आजकल मौसम इतना बारिश वाला हो रहा है तो इसके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई, सोचा आपके साथ शेयर करूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन तड़का विद पूजा। तो रेसिपी को पूरा देखिए और ये बहुत फटाफट बनने वाली है। 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ले लिया है मैंने, सरसों का तेल, और ये लगभग 250 ग्राम छोटे वाले बेबी पोटैटो हैं, छोटे वाले मीडियम साइज़ के भी छोटे आलू हैं। इसको हम धीमी आंच पर लाल होने तक, इसको ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अच्छे से ब्राउन होने देंगे इसको, इतने ये ब्राउन होते हैं इतने हम मिस्सी रोटी का आटा लगा लेते हैं। 1 कप बेसन ले लिया है और आधा कप के करीब मैंने गेहूं का आटा लिया है। इसमें आप चाहें तो बराबर रेशो भी कर सकते हैं। अब इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, आप अपने कम अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक, और ये हरा धनिया लिया है। और ऊपर से हम थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ताकि हमारे जो आटा है वो सॉफ्ट हो, रोटियां हमारी सॉफ्ट बने। इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से, ताकि ड्राई सब सब कुछ सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसमें पानी के साथ इसका एक डो लगा लेंगे, जैसे नॉर्मल डो होता है, सॉफ्ट डो ही लगाना है। फ्रेंड्स, ये रोटी खाने में सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है और आप इसको साग के साथ या दाल के साथ किसी के साथ भी बना करके खा सकते हैं। और ये नॉर्मल रोटी ऐसे भी आप खा सकते हैं नाश्ते में परांठे बनाकर। तो ये देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने अलग बाउल में निकाल दिया है और ऊपर से ऑयल लगा करके हम इसको थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट के लिए, जितने हमें बनाने तब तक के लिए इसे हम ढक कर रख देंगे। और वापस चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। इधर हमारे आलू भी फ्राई हो रहे हैं और मैंने अब ये मिक्सर जार ले लिया। और ये देखिए पालक ली है मैंने, बिल्कुल ताजी पालक है, अच्छे से धो लिया और इसकी डंठल को निकाल दिया है, इसकी मतलब स्टेम इसमें नहीं ली है मैंने। और ये देखिए मैं इसमें 2 मुट्ठी पालक, जितना हमारा 1 मुट्ठी में आ रहा है ना आपके हाथ में, अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो ये मेरे ख्याल से 100 ग्राम भी ऐसे थोड़ा सा ही वो होगा। ये इस तरह से 1 मुट्ठी और ये 2 मुट्ठी, इतना ही पालक हमें इसमें यूज़ करना है। और ये 4 लोगों के लिए बहुत आराम से आप ये सब्ज़ी बना सकते हैं। इसको कट करके मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूंगी, अच्छे से धो लिया था और इसे अच्छे से साफ करके काट के इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। 4 लोगों के लिए बहुत आराम से ये सब्ज़ी बनेगी और इतने में आप लोग मतलब 4 लोग बहुत आराम से खा सकते हैं। अभी इसमें 4 ही मैंने मिर्च ली है, मिर्च कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप चाहें कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैंने लहसुन का यूज़ किया है, आप चाहें तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। 200 ग्राम के करीब मैंने हरा धनिया लिया है और इसे भी धो लिया था। अब इसको भी चॉप करके मैं इसी मिक्सर जार में डाल दूंगी और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। अभी देखिए इधर हमारे आलू भी अच्छे से देखिए ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से, ऐसे ही हमें इसको करना है। अब इसको निकाल लेते हैं और इसी ऑयल में ये मैंने लाल हरी मिर्च ली हैं 4 साबुत और 2 लौंग और 2 काली मिर्च, थोड़ा सा हींग डाला है और 1 चम्मच इसमें जीरा डाला है मैंने। जैसे ही ये ब्राउन हो जाता है और इसमें हम 2 फाइनली चॉप हमने प्याज, मैंने इसको फाइनली चॉप कर लिया था, इसको भी हल्का ब्राउन होने देंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो रही है और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे एक बार। और फिर अब इसमें सूखे मसाले, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें गरम मसाला। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसमें मसाले अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, अगर कोई कम तीखा या कम तेज़ तीखा खाता है तो अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम इसमें मसालों को, ताकि हमारे जले नहीं, हम थोड़ा सा इसमें पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और फिर इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करना है हमें। फ्रेंड्स, इस मौसम में थोड़ा सा मन करता है थोड़ा अलग खाने। अब इसमें मैंने ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आए। अब इसमें ये टोमेटो प्यूरी लिया है मैंने, 2 टमाटर की थोड़ी सी ही प्यूरी बनाई थी, बहुत ज़्यादा बड़े टमाटर नहीं थे, प्यूरी लेके उसमें डाल दिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा
बनाकर देखिएगा। आई एम श्योर ये रेसिपी आपके घर में सभी को पसंद की जाएगी। और ये उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया था ये मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से इसको मिक्स करना है पेस्ट को, और इसी समय हम इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी हिला करके डाल दिया है। अब इसे पानी डालकर अच्छे से हम चला लेंगे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे ढक करके, क्योंकि वैसे तो हमारा सब इसको अच्छे से 10 मिनट के लिए पकने देना है। अब इसमें नमक डाल देंगे और इसको बिल्कुल ढक करके आप रख दीजिए पकने के लिए 10 मिनट के लिए। चलाते रहेंगे बीच बीच में ताकि लगे नहीं। अभी देखिए पक करके इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, इतना ये पक चुका है। और अब इसमें जो हमने आलू हमने फ्राई करके रखे थे ना, इसी समय पर हम वो ऐड कर देंगे इसमें। फ्रेंड्स ये सब्जी ना आप आराम से नाश्ते में बना सकते हैं, इसको खाने में बहुत टेस्टी लगती है। परांठे के साथ, नॉर्मल परांठे के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है और डिफरेंट है, थोड़ा सा टेस्ट इसका अलग आता है। और इसको 5 मिनट के लिए अभी हम और पकाएंगे इसी आलू के साथ, ताकि आलू में भी इनका एक्स्ट्रा सारे मसालों का फ्लेवर आ जाए। अब ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस अब इसे सर्व करने के लिए आप चाहें तो ऊपर से देसी घी डाल करके थोड़ा सा छोंक सकते हैं इसको, तो आप इसे हम सर्व कर लेते हैं अपने बाउल में। ये सब्जी हमारी देखिए बिल्कुल तैयार है। और आप इसके ऊपर से, मैंने कहा ना देसी घी का ऊपर से एक तड़का लगा सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं तो। और चलिए मिस्सी रोटी की तरफ चलते हैं। हमारा आटा भी रेडी हो गया है। आटे को अच्छे से हम बेल करके इसकी रोई बहुत आराम से ये रोटी बेलेगी, इस तरह से हम बेलेंगे। ज़्यादा बड़ी मत, बिल्कुल नहीं, बहुत पतली ये रोटी नहीं बनेगी, ज़्यादा बड़ी भी मत बनाइएगा नहीं तो टूटने का डर रहता है। और इसको मैं सिंपल घर के लोहे के तवे पर बना रही हूँ। मैं आपको इसको दोनों तरह से रोटी की तरह हम सेकते हैं वैसे भी बनाकर दिखाऊंगी और पराठे की तरह भी बनाकर दिखाऊंगी, अलट पलट कर सेकेंगे। और ये देखिए ये रोटी हमारी कितनी अच्छी तरह इसमें गैस के ऊपर फूलेगी ये, और ये देखिए कितनी अच्छी फूली फूली रोटी और एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट रोटी बनी है। अब इस पर अच्छे से आप इसके बाद इसमें घी लगा लीजिएगा, और मैं आपको दूसरे तरीके से भी बनाना बताऊंगी कि पराठे की तरह रोटी, देखिए बहुत अच्छी रोटी बनी हमारी और बहुत सॉफ्ट बनी है ये रोटियाँ। ऊपर से इस पर घी लगा देंगे हम, इसी तरह से मैं आपको दूसरी रोटी भी बताती हूँ कि किस तरह से हम पराठे की तरह भी आप इसको तवे पर सेक सकते हैं। इसी तरह दूसरी ऊपर इसमें घी लगाएंगे और आराम से इसको अलट पलट कर पराठे की तरह सेकिए, ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और ये सर्दियों में ये रोटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बेसन की रोटी थोड़ा सा गर्म भी होती है ये रोटी, और सर्दियों में बहुत स्वाद लगती है। आप इसको आप ना नॉर्मल साग के साथ भी बना करके खा सकते हैं। देखिए हमारी रोटी भी बनकर रेडी है, तो चलिए अब इनको इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं पूरे रेसिपी की। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल धनिया वाली दम आलू बिल्कुल रेडी हैं, और थोड़े से सलाद के साथ। और ये गरम गरम मिस्सी रोटी आप भी बनाइए, खाइए और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।